वेलकम टू द शो है कोई जवाब मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा नजी एयर मार्शल रिटायर्ड असहर ख़ान की पटिशन की सोलह साल बाद कल समाप्त हो रही है जिसमें आई एस आई की जानब से सियासतदान को एक करोड़ चालीस लाख की अदायगी और आई जी आई की तश्ील का इल्ज़ाम है जिसको वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और आई एस आई की जानब से उसको स्पॉन्सर किया गया था आज हमने ये भी देखा कि अलजहाद ट्रस्ट के सरबरा हैं हबीब वहाब अल खैरी भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वात दायर की है कि आई एस आई का सियासी विंग यानी जो पोलिटिकल विंग है उसको बंद कर दिया जाए और उसके साथ उन्होंने भी उस दरखास्त में लिखा है कि इस्लामी जमुरी इस्लाहा के नाम पर जो पैसे वसूल किए गए हैं वो पैसे वापस किए जाए उनकी जानव से और इसी के साथ साथ में ये भी लिखा है कि पाबंदी भी आय की जाए जिन्होंने उसमें पैसे लिए और, आ, साथ ही हमने ये भी देखा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब बरसरदार आई थी पिछले इलेक्शन में दो हजार आठ में उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था वजी अजम ने भी और उस वक्त फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी पोलिटिकल विंग जो है आएस का उसको बंद कर दिया गया है जबकि साथ ही हमने आई एस आई के डी जी जो थे शुजा पाशा साहब उनका यह कहना था कि यह हमारी मामूल की कार्रवाई है इसमें कोई बैरूनी दबाव की वजह से ऐसा हमने नहीं किया है और ये जो सियासी विंग था वो कोई सियासी विंग नहीं है वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको हमने काउंटर टेररिज्म की तरफ अब लगा दिया है क्योंकि इससे वहाँ पर ज़्यादा जरूरत थी रसन ये तो सियासी रबतों की बात है लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती आयस आई के हवाले से एक तरह बात हो रही है कि सियासतदानों से उनके सियासी रबते हैं या पोलिटिकल विंग है दूसरी तरफ विकी लीगस की जो अभी रिसेंट कैबल्स हैं उनमें अब ये बात भी आई है कि आई एस आई के उसामा बिन लादिन से भी राबे थे और आपको यकीन याद होगा कि एपटाबाद वाक़े के बाद यही इल्ज़ाम अमेरिका की जानब से भी लगाए गए और साथ में ये कहा कि जो एपटाबाद में उसामा बिन लादिन रिहाइश पजीर थे वो भी आई एस आई के चंद ऐसे अफसरान आने जिनके इल में ये बात थी और उनसे राबते में थे आयस आई के रोल पर आज हम बात करेंगे उसके पॉलिटिकल विंग पे ही बात करेंगे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कि 2008 में जो ऐलान किया गया गया था पॉलिटिकल विंग बंद कर दिया साथ गेस्ट है, उनका मैं तारुफ आपसे पहले करा देती हूँ ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब हमारे साथ हैं असद मुनीर साहब इसी के साथ यास्मीन रहमान साहबा हमारे साथ लाह स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र हैं पीएम की वेमेन डेवलपमेंट ने एम की एम है पीपल्स पार्टी की अल्लामिकम यासमिन रहमान साहबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का और इसी के साथ एडवोकेट खैरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि आज जिनकी हमने बात की अलजहा ट्रस्ट के सरबराह हैं और आज उनकी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है सलामकुम खैरी साहब नज़र से पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूँ एक मुखस सी रिपोर्ट बनाई गई है जो हम तक मालूम थी जो हमारी रिसर्च के मुताबिक हम तक पहुँची है बल्कि थोड़ी देर में हम वो रिपोर्ट बताते हैं पहले ये कि हम जो इल्ज़ाम आई एस आई पर लगाते गए लगाए गए हैं जो एयर चीफ एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की जो पटिशन थी उसमें भी लगाए गए और अब यही बात अलजहा ट्रस्ट के सरबरा भी कह रहे हैं उन इल्ज़ाम के तहत किस पार्टी ने कितने पैसे लिए थे और किस शख्सियत के हिस्से में कितने पैसे आए थे उसका थोड़ा सा तयन कर लें कहा यह जाता है कि जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी वो मुस्लिम लीग नवाज़ थी जो अब नवाज है उस वक्त मुस्लिम लीग ही थी मियाँ नवाज शरीफ जिनको 35 लाख रुपए मिले थे मीर अफजल ख़ान को एक करोड़ में मिल रुपये मिले थे आबदा हुसैन को 10 लाख रुपए मिले थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई उनके हिस्से में तकरीबन पचास लाख रुपये आए थे शाम खान जुनेजो के हिस्से में ढाई लाख रुपए आए थे पीर पगारा को तकरीबन बीस लाख रुपए मिले थे नजिन ये वो रकूम है जो के बताया गया कि एक करोड़ चालीस लाख के करीब आए जो बनाने के लिए आई जी आई की तश्ील के लिए और की हुकूमत के लिए के खात्मे के लिए और उसके ख़िलाफ़ इसको, इसको इस्तेमाल किया गया था और विकीलिक्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे आ, लेकिन पहले ज़रा मैं बात करती हूँ यासमी रहमान साहबा की जा जानब चलूँगी और उनसे ज़रा ये पूछ लेती हूँ कि क्या वाकई ऐसा का पोलिटिकल विंग बंद हो चुका है जैसे कि ऐलान किया गया था दो हज़ार आठ में यासमीन रहमान साहबा कोई जवाब बताएं आप इसका क्या पोलिटिकल विंग अभी भी एक्टिवेट है या नहीं है जी देखिए मैं समझती हूँ कि जैसे आपने ख़ुद अपने एंट्रो में बताया कि उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब और डिफरेंट सोसिस से यही ऐलानात हुए कि ऐसी एजेंसीज हैं उनका पॉलिटिकल रोल जो है वो पॉलिटिक्स में ख़त्म होना चाहिए और जो उनका बुनियादी काम है एंटी टेररिज्म या सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो उसको डील करें तो यकीनन जब जमुई जमहूरियत आती है जमहूरी हकूत कायम होती है वोट के ज़रिए चेंज आता है तो मैं समझती हूँ कि ऐसे रोल जो होते हैं ऐसी एजेंसीज़ के या ऐसे इदारों के वो मार्जिनलाइज हो के उनका जो हक़ीकी रोल होना चाहिए वहाँ तक Uh, महदूद हो जाते हैं लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होता है इन रोल्स का यह नहीं तो उसके बारे में मैं कैटेगोरिकली तो कुछ नहीं कह सकती लेकिन मैं ये वसूख से कहती हूँ कि जमहूरीत जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स जो हैं उनका रोल लिमिटेड हो डेमोक्रेटिक फोरस जो हैं उसमें उनका रोल जो है वह ज़्यादा फाल हो मुल्क में अब वक्त आ गया है कि यहाँ डिसीजन ले लिया जाए कि यहाँ जमूरियत ही आप कुछ पे नहीं है। कह सकती, सकत, कह सकती कि वो बंद हुआ है या बंद नहीं हुआ है लेकिन मुझे ये बताया कि दो हजार आठ में जो ऐलान किया गया था पोलिटिकल विंग ऐसा बंद कर दिया गया है जो कि डायरेक्टेड सी है तो मुझे ये बताएं कि क्या ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जाता है या वो लेती है इस क्रेडिट को जी यकीनन मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल आ, आज की बात नहीं है शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद की हकूमत और फिर आज की हुकूमत आप देखें तो यही कोशिश किया है कि जमूरी फोर्सेज और जमूरी फोसेज के साथ चाहे उनको कोलेशन बनानी पड़ी डिफरेंट सूबों में भी फेडरल गवर्नमेंट में भी क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास दो तहाई अक्सरियत नहीं थी तो जमहूरी फोर्सेज को साथ लेके चले ताकि जमूरी अमल को आगे बढ़ाया ठीक है आप बिलीव इन... करती है ठीक है और आपकी इन कोशिशों के नतीजे में आईस आई को प्रेशराइज हुई और उसने अपना पोलिटिकल विंग खत्म कर दिया जी यकीन मैं समझती हूँ कि ख़त्म होना चाहिए जैसे आपने ख़ुद बात की कि आ, अमेरिका अमेरिका अगर यूएस या कोई और कंट्री अगर हमारी एजेंसीज को एड्रेस करे तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं लगती ये हमारे इंटरनल मामलाते हैं यूएस का अपने सीआईए और डिफरेंट जो एजेंसी लेकिन, लेकिन यासिमान साहबा मेरे आ... पास तो ये भी है रिसर्च कि जब ये ऐलान किया गया कि जी हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यूसुफ रजा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जी हमने मीडिया जो आयसा का जो पॉलिटिकल विंग है उसको हमने बंद कर दिया लेकिन साथ ही जो डीजीओ ऐसा है उनका स्टेटमेंट सामने आया कि ये कोई भी ऐसा हम पे कोई प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था ये हमारी एक रूटीन की रोटेशन थी जिसको हमने काम किया है ये इनिशिएटिव हमने खुद लिया है कोई हम पे प्रेशर नहीं था हमें काउंटर टेररिज्म की तरह ज्यादा एफर्ट्स करने थे इसलिए हमने ये किया आपका क्रेडिट वो क्यों मार देखिए प्रेशर नहीं नहीं मैं देखिए प्रेशर की बात नहीं मैं करूंगी बट डायरेक्शन तो चीफ एग्जेक्टिव ने देनी है ना जो भी अदारा हो चाहे वो अदारा फौज से ताल्लुक रखता हो सिविलियन अदारा हो तो चीफ एग्जेक्टिव सिर्फ ज्यादा अगर आज आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसको पोलिटिकल विंग को बंद कराने का क्रेडिट लेती है तो ये खबर कितनी सही है कि नाइनटीन सेवन में जुल्फ़ार बुटो साहब ने ही ये पोलिटिकल विंग तश्ल भी दिया था है देखिए पॉलिटिकल विंग्स जो है पॉलिटिक्स में ये तो नहीं मसला कि कोई ऐसे विंग्स जो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करें और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस भी कल उनतीस तारीख को सामने आ रहा है जिस पे एफिडेविट भी आ गया है कि उनका ये रोल तो नहीं होता कि वो पैसे दें ताकि एंटीपीडेट अच्छा, एंट, लेकिन देखिए रोल मैं मैं ये समझती देखें कि रोल ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होती हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन होती हैं उनमें पॉलिटिक्स साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर

1975 में एक महकमे के तौर पर बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अजगर खान साहब की दरख्वास की समात के दौरान में आ वो कहा था उस वक्त के अटॉर्नी जनरल से कि आप पूछ के बताएं कि ये पॉलिटिकल विंग आप ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा ताल्लुक कोई ख़ास नहीं है फिर हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे तो उस वक्त के वजीर वो जो थे अटॉर्नी जनरल साहब उन्होंने कहा जी हाँ हम पूछ के बताएंगे उन्होंने पूछ के बताया कि पॉलिटिकल विंग हम ख़त्म नहीं करेंगे चुनाचे दो बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रही दो बार जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही ना उन्होंने ख़त्म किया ना उन्होंने ख़त्म किया और अब जो ये तीसरी बार जो पीपल पार्टी की हुकूमत है वज़ी अजम साहब ने भी इसको ख़त्म नहीं किया ये बरकरार है और इसका नहीं, दो जो आठ में ऐलान किया गया था खैरी साहब उस ऐलान का आज स्टेटस क्या है क्या वो बंद नहीं हुआ था वो सिर्फ एक नहीं, आम ऐलान था थालान की तरह नहीं ये ये जैसे ऐलान करते रहते हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया ये यू ही है बल्कि इनके तो हालत ये है कि डी आईएसआई दि जी आई एस आई को ये वहाँ इंडिया भेज रहे थे और वो भी ठीक है इनके दीगर एलाना की तरह ये ऐलान था।, था जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है खैरी और अगर 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 कर दिया है इन्होंने तो इसका तो बड़ा आसान तरीका है मेरी पिटिशन में जाके अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से हुकूमत वो नोटिफिकेशन जारी कर दे ठीक है ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की तरफ आती हूँ खैरी साहब वापस आती हूँ आपकी जाने ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब मुझे बताएगा ऐसे के पॉलिटिकल विंग के हवाले से क्योंकि कहा जाता है कि ुल्फ़ार अली भुट्टो के दौर में बना बल्कि उन्होंने ही ये 1975 में बनाया और अब दो हज़ार में बावजूद इस ऐलान के किजिए बंद कर दिया गया है आज तक वो एक्टिव है और आज तक वो दीगर एलाना की तरह खैरी साहब कह रहे हैं हुकूमत के जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती ये एक ऐलान था वो आज भी काम कर रहा है देखें जी आईएसआई में पॉलिटिकल विंग एक नाम की चीज़ है ही नहीं तो उसको बंद करने का सवाल नहीं पैदा होता 1958 से आईएसआई और दूसरे इंटेलिजेंस इदारे सियासत में हिस्सा ले रहे हैं किरदार अदा कर रहे हैं खान साहब के ज़माने से उसके बाद यै ख़ान के ज़माने में मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन में और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ गए उसमें भी आईएसआई का रोल था जो भुट्टो साहब के मुतालिक बोलते हैं कि उन्होंने आईएसआई में पॉलिटिकल सेल बनाया वो इस तरह की बात नहीं है तो डायरेक्ट्रेट सी क्या है सी क्या एक मिनट मिनट आप आप मेरी एक बात सुनें। जब नाइनटीन जब 1975 में हैदराबाद ट्रिब्यूनल का केस था जो जिसमें बलूचिस्तान में, में इंसर्जेंसी के बाद लोग पकड़े गए थे और उनका ट्रायल हो रहा था उसमें यह या अख्तियार साहब अटारनी जनरल थे उन्होंने कहा कि जी अगर आई एस आई वहाँ पर ले कर जाएगी ये सबूत तो वो मानेंगे नहीं क्योंकि आई एस आई का ये मैंडेट नहीं है कि वो सियासी पार्टियों के मुतलक मालूम जमा करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर हुआ था उनको ये रोल उस कोर्ट के लिए दिया गया था लेकिन उससे पहले यह हिस्सा लेते रहें। अभी आप पूछ रहे हैं कि सीविंग क्या है जो आई में नबे फीसद से ज्यादा लोगों का पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में कोई किरदार नहीं है अच्छा ठीक है वहां पर इन... यही आप... साहब प्लीज क्योंकि तीन स्टेटमेंट जैसे सामने आ चुके हैं आपका कहना यह है कि पॉलिटिकल विंग बात सुन ले आप माजद के साथ एक, एक साथ ब्रेक मुख्तर साद सर मैं वापस आती हूँ आपकी जाने मैं वापस आती आपकी जाने मुख्त क्योंकि दो तीन स्टेटमेंट मेरे पास है एक ब्रिगेडियर असद मुनर की कोई पॉलिटिकल विंग आईएसआई का है ही नहीं यास्मीन रहमान साहबा बिल्कुल था लेकिन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है कैटेगोरिकली वो हमें नहीं बता सकती कि अब वो एक्टिव है या अब वो एक्टिव नहीं है ताहम जो ब्रिगेड एडवोकेट वहाबुल खैरी साहब है जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है उनका ये कहना है कि वो आज भी ये पॉलिटिकल विंग एक्टिव है इसमें कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है मुख्तसर सा ब्रेक वापस आते हैं हमारे साथ रहता